ट्रेनिंग की जरूरत होती है, चाहे वो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, किसी भी चीज में एक ट्रेनिंग, आप डायरेक्ट जाके नहीं कर सकते हो। मुंबई का मतलब ऐसा कोई भी थिएटर नहीं है जिसके कंट्रोल रूम में मैं बैठा नहीं। मिशन की मुकम्मल मालूमात सिर्फ मेरे पास है। मिशन की तैयारी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है। ये मोहब्बत इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे बरकरार रखने के लिए। एक राज की बात बताऊं, ये जो दिल है ना, मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब से ये अलग अलग मौके बढ़े हैं क्रिएटिव वर्ल्ड में, डिजिटल इंडिया में, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, फिल्म्स में नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तब से जो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला है, दिल को तसल्ली मिली है, वो सभी आर्टिस्ट को मिली है, क्योंकि पहली बार उनको एक टेम्पलेट से हटकर अपनी कुछ अभिव्यक्ति दिखाने का मौका मिला है। और ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव शेयर करने के लिए मेरे साथ हैं आशीष चटर्जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स सर। इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू वेरी मच। आशीष, जो मैंने कहा कि एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा अच्छा एक समय आया है कि अब वो अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है जो उस करेक्टर को लेकर सोचता है, आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा आया है जहाँ एक हर एक आर्टिस्ट मतलब अपना एक्सप्लोर कर सकता है जो वो चाहता है। अभी पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क जो होता है ना, मेलोड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग जो हम कहते हैं, वो नहीं, अभी जो है टोटल रियलिस्टिक है। हम जिन्हें देखते हैं आम तौर पर जिंदगी में, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हजारों लाखों कैरेक्टर्स हैं, और सब पॉसिबल तो है नहीं एक एक्टर के लिए हर कैरेक्टर परफॉर्म करना, लेकिन हाँ वो उस किरदार को जो उसे मिलता है आम जिंदगी से, वो पुलिस से लेकर, पॉलिटिशियन से लेकर, अंडरवर्ल्ड से लेकर, गुड बैड जो भी है, सबको परफॉर्म कर सकते हैं उसे देखकर। सिर्फ एक एक्टर को जो जरूरत है ऑब्जर्वेशन, अच्छा ऑब्जर्वेशन, दैट्स ऑल। तो ऑब्जर्वेशन में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आशित की, नॉर्मल एक इंसान के लिए अपने जीवन में एक ही जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आर्टिस्ट बड़े मजे से बहुत सारे जीवन जीता है, बहुत सारे किरदार जीता है, बहुत सारी जिंदगियों को समझता है। तो ये मजेदार काम है, एक्सपेरिमेंटल, या कभी कभी परेशान भी करता है? नहीं नहीं, बहुत मजेदार है, क्योंकि एक ऐसी सोच जो है बहुत सारे लोग रखते हैं कि हम भी चाहते हैं कि अलग अलग किरदार को हम जिए, लेकिन वो किसी और प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है एक्टिंग के अलावा। यहाँ हम उसे जी सकते हैं, पूरी तरह जी तो नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके करीब पहुँचे, वो सारे कैरेक्टर्स जो है उनके करीब पहुँचे। वो करीब पहुँचने के लिए उनकी साइकी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमें जो किरदार मिल रहे हैं उसके रेफरेंसेस देखते हैं, पढ़ते हैं, विजुअल्स जो भी हमारे पास वो देखते हैं, कॉपी नहीं करनी है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है, और वो उस कैरेक्टर से रिलेटेड जो है आसपास की चीज़ें हमें उसे जोड़ना है, और उसके बाद तो डायरेक्टर राइटर हैं हेल्प करने के लिए। तो वहाँ से रेफरेंस पॉइंट उठाना है। जी ओके, हमें हर समय चलना होता है और चलनी भी चाहिए, डायरेक्टर के विजन से चलनी चाहिए, क्योंकि इकलौता वही एक इंसान होता है जो फिल्म बनने से पहले, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, सीरियल हो, जो भी ऑडियो विजुअल है, वो बनने से पहले सिर्फ वही देख सकता है या सकती है, और कोई नहीं देख सकता उसे। राइट राइट, तो इसीलिए उनके विजन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वो क्या सोच रहे हैं फिल्म को लेकर, किरदार को लेकर, इसीलिए बहुत ज़रूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी आप एक्टिंग करने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं जी, है ना, और पढ़ना ही पड़ता है जी लेकिन क्या पढ़ते पढ़ते कभी सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा? पढ़ना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो तो ऐसा लगता था कि घर में बोलते थे कि हाँ ये पढ़ना है, वो करना है, ये करना है, और एक जो चूँकि मैं बहुत ही छोटे से एक, अभी हालांकि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है हर जगह, तो जहाँ का मैं हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़, खासकर सिर्फ मैं बिलासपुर की बात नहीं करूँगा कि बहुत सारे जगह में है, जो हम जब छोटे थे वहाँ ये एक जो नॉर्मली जो होता है IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, जो प्रोफेशंस जो जो फिक्स है, इसमें फिक्स जो है वकील है, CA है, गवर्नमेंट जॉब कोई भी है, इसके अलावा जो है और कुछ होता नहीं था।
हमारे पास चाहिए ना, हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। राइट, एक पेंटर के लिए अगर वहाँ पे आर्ट कॉलेज है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा? हाँ, थोड़ा बहुत उस वक्त एड एजेंसी ग्रो कर रही थी, तो जिनको जिनको थोड़ा बहुत मिला था वो वहाँ गए, बाकी लोग क्या करेंगे? हर कोई बाहर निकल के छोटे से शहर से जाके बाहर पुणे जाके FTI में ज्वाइन नहीं कर सकता। FTI की सीट भी बहुत कम है, इतने सारे लोग हैं। फिर NSDA, ऐसे दो चार इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा बाकी क्या है? कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए हमारे लिए वो दौर थोड़ा सा, हमारे जैसे लोग इतने समय लगा, इतने चैलेंजिंग दौर में जब आपने तय किया, इरादा बनाया कि मुझे एक्टर बनना है, तो घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या बोला जाता था, और आपको तब कैसा लगता था? सेल्फ डाउट होता था या कॉन्फिडेंस बढ़ता था? सबसे पहली बात तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है, और एक्टर बनने के लिए मैं निकला ही नहीं था। मैं बचपन से ही पेंटिंग और स्केचिंग ये सब करता था, आर्ट में रुझान था, डिज़ाइन करना चाहता था, डिज़ाइनर बनना चाहता था, आर्ट के फील्ड में ही जाना चाहता था, लेकिन एक्टिंग में नहीं, क्योंकि कभी की नहीं थी, इसलिए सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ मुंबई आकर मैं डिज़ाइनिंग की क्षेत्र में ही मैं आया था, लेकिन बाद में पता चला कि जिस फील्ड के लिए आया था, उस फील्ड के लिए सेटअप की बहुत ज़रूरत है, सेटअप की, उसमें खर्चे काफ़ी है, वर्कशॉप चाहिए, बनाना है, अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे तब जाके वो होगा, डिस्प्ले करना है चीज़ों को, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं था। फिर किसी दोस्त ने ज़बरदस्ती उस वक्त सीरियल में डाल दिया मुझे, कभी की नहीं एक्टिंग, मैं बोल रहा था नहीं मैं करूँगा नहीं, कभी की नहीं। अरे नहीं नहीं कर ले, बोले तो गया, फ्लूक से हो गया काम, तो अच्छा लगा, एक दो किया, फिर बाद में पता चला नहीं ये इतना आसान नहीं है जो लगता है। तब मैंने सोचा कि इसकी, जैसे कि हर एक प्रोफेशन में एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, किसी भी चीज़ में एक ट्रेनिंग, आप डायरेक्ट जाके नहीं कर सकते हो कोई भी प्रोफेशन में, तो एक्टिंग भी जो है इसके लिए भी ट्रेनिंग होगा। तब मेरे दिमाग में था, किसी ने बताया नहीं, तो मैंने पूछा भाई इसका क्या ट्रेनिंग होता है, तो बोले यहाँ थिएटर है, मैं बोला हाँ ज्वाइन करूँगा। फिर मुझे थिएटर में ज्वाइन करवाया, थिएटर्स भी धीरे 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 ग्रो करना शुरू किया, और थिएटर में ज़्यादातर मुझे ऑन स्टेज मिलता नहीं था चांस, वो खैर शुरुआत में किसी को भी नहीं, हाँ नहीं मिलता है, तो मुझे कोई उसका कंप्लेंट नहीं है। लेकिन मुझे जिस चीज़ का, जिसमें मुझे आर्ट में शौक था शुरू से ही, तो वहाँ मुझे लाइट डिज़ाइंस करने का मौका मिला, और लाइट्स एग्जीक्यूशन जिसे ऑपरेट कहते हैं उसका मौका मिला, तो मैं उसे एंजॉय करना शुरू किया। और थिएटर में अभी मुंबई का मतलब ऐसा कोई भी थिएटर नहीं है जिसके कंट्रोल रूम में मैं बैठा नहीं। ओह ग्रेट। तो हर जगह मैंने ऑपरेट किया, लाइट्स डिज़ाइन की, तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। और मैं कहूँगा कि इस तरह से थोड़ा बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। MS सत्यू सर है, गुलजार साहब है, जयदेव हट्टंगिनी सर है, इन सब के साथ बैठ के काम करने का मौका मिला, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, काफ़ी कुछ सीखा मैं। तो वो जो चीज़ सीखा उसे मैं बाद में जब एक्टिंग में जब मुझे ठीक ठाक जब ब्रेक मिला, फिर मैंने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया कि किस तरीके से कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है, किस तरीके से कैरेक्टर स्केच को डेवलप किया जाता है, सारी उसके आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो फिर सीखना शुरू किया। और धीरे धीरे, तो एक दिन में कुछ होता नहीं है, ऐसा प्रोसेस। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि पहले तो इन्होंने समय दिया, लेकिन जब समय आया और अच्छे अच्छे रोल मिलने लग गए, तो फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट किए आपने अभी तक? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, वेब सीरीज से ही मेरी शुरुआत हुई थी। विक्रम भट्ट की स्पॉटलाइट 2 जो था वो सबसे पहला ब्रेक था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, वन ऑफ द प्राइम कैरेक्टर, प्राइमरी कैरेक्टर जैसे कहते हैं वो था। और मेरे मैक्सिमम, मैं एक शख्स का नाम बिल्कुल लेना चाहूँगा, तो कास्टिंग डायरेक्टर है कुणाल हमशाह, तो कुणाल जी के साथ, कुणाल जी ने मुझे बहुत हेल्प किया इस मामले में, उनके ज़रिए से मैंने बहुत सारे काम किए, तो वहाँ से शुरुआत हुई है। उसके बाद फिर कल्कि जैसे टैलेंटेड एक्टर है, उनके साथ भ्रम किया, फिर उसके बाद ट्विस्टेड 2 है, फिर द एम्पायर है, फिर कार्टल है, अभी रिलीज़ हुई है कर्म युद्ध है, तो ऐसे बहुत सारे, फिर फिल्म रॉ है, रोमियो अकबर वॉल्टर, अभी आने वाली है, काफ़ी फिल्में हैं।
तो ये धीरे 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 एक एक करके करता गया और सब मत्स्य कांड है. तो हर एक मतलब प्रोजेक्ट में कहीं भी आप मुझे एक ही किरदार में नहीं देख पाएंगे, अलग अलग हर जगह अलग अलग किरदार है जो मुझे पसंद है. मैं वर्सेटाइल परफॉर्मेंस पसंद करता हूँ. हाँ जी, उसके लिए मुझे ना कहना सीखना पड़ा. फाइनेंशियल लॉस होता है, बिल्कुल, हम जब प्रोजेक्ट छोड़ते हैं तो लॉस होता है, लेकिन अपनी प्रोफाइल को सही बनाने के लिए उतना तो करना पड़ता है. मतलब इसमें भी प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है अगर आप वाकई लॉन्ग रन में चलना चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ आर्टिस्ट हैं उससे काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको ना हाँ ये किस को करना है, कब करना है, किस प्रोजेक्ट को करना है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो अब आप लगातार काम कर रहे हैं एज एन एक्टर, पेंटिंग कहीं छूट गई या वो भी चल रही है साथ में? छूट तो नहीं गई है, बाकी पेंटिंग के लिए समय नहीं मिलता. पेंटिंग का क्या है, उसमें एक पेंटिंग जब हम करने बैठते हैं ना, उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है. और ये आर्ट ऐसा है ना, मूड, वो मूड बनता है, उसके बाद ना समय दिखता है, ना दिन ना रात. और वो पेंटिंग का क्या है, पेंटिंग का आपको एक बार में होता नहीं है. पेंटिंग किए, दो दिन छोड़ दिए, फिर आगे किए, वो टच अप उसका चलते रहता है, टाइम लेता है, वो टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है. तो उतना समय अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर. तो पेंटिंग में जब भी होता है तो ये होता है कि भाई आपने क्रिएट किया, एक क्रिएशन बनाया और लोग आके उसको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. लेकिन अब जो आप प्रोफेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एक्टिंग में, वो एक्टिंग सीधे लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है, ऑडियंस तक पहुंच रही है, आपका काम आपके द्वारा पहुँच रहा है जी. तो जो आपके साथी लोग थे आपके शहर के परिवार के, जिनको ये मान था कि आप तो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, पेंटिंग के लिए गए हैं, अब वो जब डायरेक्ट स्क्रीन पर आपको देखते हैं तो क्या माहौल होता है? हाँ, उनके लिए तो वो था कि बहुत बड़ा सरप्राइज है उनके लिए, कि कभी सोचा ही नहीं था, कभी देखा भी नहीं था. तो ये बात अच्छी बात है कि वो जितने भी किरदार देखे हैं मेरा, जो भी मैंने काम किया है, उसे पसंद करते हैं. उनको लगता है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वही अवार्ड है. ओके, अब आप क्योंकि काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, खुद का एक करियर प्लान कर रहे हैं आगे तक के लिए, और आपने अपने दौर में बहुत लोगों को यहाँ पर आते जाते रुकते थमते देखा होगा, क्या ऐसा आपको अनुभव है जो नए लोगों के साथ आप बांटना चाहते हो? एक तो अपने ऊपर विश्वास सबसे ज़रूरी है, और एज एन एक्टर जो की पॉइंट है, मैं यही कहूँगा कि वो है ऑब्जर्वेशन. बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन चाहिए. साइकी को समझना तो उसकी बात की बात है, आप अंदर तो घुसेंगे, पहले आप उन्हें देखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, हर एक किरदार को ऑब्जर्व कीजिए. उनके अंदर तक घुसने की ज़रूरत नहीं तभी, लेकिन पहला ऑब्जर्वेशन जो है वो शुरू कीजिए उनके ऊपर, ये ज़रूरी है. उसके बाद जिस फील्ड में आप आए हैं उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो इंटरेस्ट आनी चाहिए. ये कहूँगा कि लव योर वर्क. आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन में, If you love your work, बाकी सब लक पे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, लेकिन मेहनत तो ज़रूरी है, डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्टी बड़ी बात है, अपने को धोखा नहीं. राइट, थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छी बातें शेयर की. तो मेरे साथ थे आशीष चटर्जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई कि आप अगर अपने आप को समय देते हैं तो समय बदलते देर नहीं लगती. दूसरी ये कि भले ही आप इत्तेफाक से इस प्रोफेशन में आ गए हैं, एक्टिंग में या किसी और फील्ड में, लेकिन उसके बाद भी सीखने की इंपॉर्टेंस बनी रहती है. उस इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे जैसे भी मौका मिले, वो मीडियम माध्यम कुछ भी हो सकता है, थिएटर हो सकता है, एकेडमी हो सकती है, क्लासेस हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीखे हुए कलाकार में और ना सीखे हुए कलाकार में बहुत बड़ा फर्क होता है. दूसरी बात ये कि लव योर वर्क, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो ईमानदारी अपने आप आ जाती है, डेडिकेशन अपने आप आ जाता है, डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, बाकी सब फिर आप लक पे छोड़ भी देंगे तो भी लक आपके पीछे पीछे साथ जरूर देगा. अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, लेकिन आपको जो भी इस वीडियो से सीखने को मिला है कमेंट करके जरूर बताइएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.